नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हे में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही क्रिस्पी प्याज के पकौड़े बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। प्याज मैं यहाँ पे 8 मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से लंबे स्लाइस में कट कर ली हूँ। नमक, बेसन, आधा लोट, और यहाँ पे मैं 5 हरी मिर्च और 10 लहसुन की कलियों को पीस के पेस्ट तैयार कर ली हूँ और तलने के लिए रिफाइंड तेल। तो चलिए अब हम लंबे स्लाइस में कटे हुए प्याज को डालेंगे। लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हम इसमें 6 चम्मच अरारोट डालेंगे। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप चावल के आटे का भी उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे 8 चम्मच हम बेसन का उपयोग करेंगे। स्वाद अनुसार नमक, इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसी तरीके से हाथों की सहायता से हम सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मिक्स करते जाएंगे। हमें बहुत ज्यादा पानी का उपयोग नहीं करना है। अब हम इसे इसी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप प्याज के पकौड़े में मिक्सचर को मिक्स करते समय अगर आपको बेसन की क्वांटिटी कम लगे तो आप बेसन और ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से पकौड़े के लिए बैटर तैयार करना है। एकदम ज़्यादा बेसन का भी उपयोग नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे बाइंडिंग करने के लिए ही बेसन का उपयोग करना है। अब हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार हो गया है पकौड़े तलने के लिए। तो चलिए अब हम इसका पकौड़े बनाएंगे। अब हम इस बैटर का थोड़ा सा पोर्शन लेके तेल को चेक कर लेंगे कि गर्म हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है और हमारा पकौड़े भी है डालने के बाद तुरंत तेल के ऊपर आ चुका है। अब हम पकौड़े तैयार करेंगे। ना तो हमें पकौड़े को गोल बनाना है और ना ही मुट्ठियों में दबाना है। इस तरह से थोड़ा सा बैटर का हिस्सा लेके हम इस तरह फैला लेंगे और पकौड़े तैयार करते जाएंगे। और ना ही हम तेल को एकदम ज़्यादा गर्म करना है, तेल को हम मीडियम ही गर्म रखेंगे ताकि हमारे पकौड़े हैं वो क्रिस्पी बन सके। ऐसे तरीके से सारे पकौड़े तल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पकौड़ा का भी कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ा तैयार हो चुका है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं। हमने इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम में ही पकाया है। जैसे ही पकौड़े हैं वो गोल्डन ब्राउन होता है हम इसे निकाल लेंगे। अब हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। और इसी तरीके से हम सारे पकौड़े तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पकौड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। अब हमारे प्याज के पकौड़े बन के पूरी तरह से खाने के रेडी हो चुके हैं। आप ही ठीक इसी तरीके से सुबह के नाश्ते में गर्मा गर्म पकौड़े तैयार करिए और गर्मा गर्म चाय और चाय और पकौड़े का एक साथ मजा लीजिए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आज की मेरी पकौड़े की रेसिपी आपको कैसे लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।